नमस्ते। उच्च माध्यमिक हिंदी साहित्य के इतिहास में आपका स्वागत है। इस वीडियो के तहत हम प्रगतिवादी साहित्य की मौलिक विशेषताओं की चर्चा करेंगे। वैसे हिंदी साहित्य के इतिहास में सिलेबस में 6 विषय दिया गया है। पहला, खड़ी बोली हिंदी का विकास। दूसरा, भारतेंदु युगीन साहित्य। तीसरा, द्विवेदी युगीन साहित्य। चौथा, छायावाद। पांचवा, प्रगतिवादी साहित्य। और छठा, प्रयोगवाद, जिसमें से 2018 के लिए सबसे ज़्यादा प्राथमिकता प्रगतिवादी साहित्य की मौलिक विशेषताओं पर दिया जा रहा है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। प्रगतिवादी साहित्य की मौलिक विशेषताओं की चर्चा कीजिए। प्रगतिवादी साहित्य की मौलिक विशेषताएं। प्रगतिवादी साहित्य की मौलिक विशेषताओं को निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है। पहला, रूढ़ियों का विरोध। इस युग की कविताओं में रूढ़ियों का विरोध करते हुए मानव महत्ता को सर्वोपरि स्थान मिला है। किसी को आर्य अनार्य, किसी को यवन, किसी को हूण यहूदी द्रविड़, किसी को शीश, किसी को चरण, मनुज को मनुज न कहना आह। दूसरा है शोषण का विरोध। इनकी दृष्टि में मानव शोषण एक भयानक अभिशाप है। बंगाल के अकाल का दुखद चित्र खींचते हुए निराला जी लिखते हैं, बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर। तीसरा, क्रांति की भावना। सामंतवादी परंपराओं का घोर विरोध मिलता है। कभी कुछ ऐसा तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। चौथा, मार्क्स और रूस का गुणगान। मार्क्स और रूस का गुणगान इस युग की कविताओं में मिलता है। लाल रूस का दुश्मन साथी, दुश्मन सब इंसानों का। पांचवा, नारी भावना। प्रगतिवादी कवि की दृष्टि में नारी भी मजदूर तथा किसानों की भांति शोषित है। वह पुरुष की वासना तृप्ति का उपकरण बनकर रह गई है। मुक्त करो नारी तन पंथ। समसामयिक चित्रण। प्रगतिवादी कवियों ने देश विदेश में उत्पन्न समसामयिक समस्याओं को अपनी कविताओं में स्थान दिया है। नागार्जुन ने कागजी आज़ादी पर लिखा है, कागज की आज़ादी मिलती ले लो दो दो आने में। सातवां, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण। प्रगतिवादी कविता में सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण मिलता है। यह तो मानव लोक नहीं, यह है नरक अपरिचित। यह भारत का ग्राम सभ्यता संस्कृति से निर्वासित। इस तरह प्रगतिवादी साहित्य की मौलिक विशेषताएं पूरा हुआ। 2018 के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत दिया जा रहा है, सो आप प्राथमिकता के रूप में पहले से याद कर लें। पहले सबका हेडिंग निकाल कर याद कर लें, उसके बाद हेडिंग के बाद ही जो उद्धरण है उसको याद कर लें, बस बाद में अपने आप फिर उसको बैठा कर याद कर सकते हैं। तो चलिए, गुड बाय।